बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गाइडलाइंस ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए के में पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूकीओ बता देता हूँ जो आपने करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डिफरेंस लिखे हुए ट्रेडिशनल और होलिस्टिक मेडिसिन में। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छे लगते हैं तो उसको आप नोट कर लेना, उसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। ट्रेडिशनल और होलिस्टिक मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, फिर आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यूकीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपने चलना है होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस में फ़र्क क्या होता है, यानी पहले बायोसाइकोसोशल मॉडल, इसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है, होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने आना है इस हेडिंग की तरफ। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिक रोल, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व, जिसको आप यॉर्क डेविडसन कर्व बोलते हैं, ये आ जाती है एग्जाम में, स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व हो जाती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, कौन से खराब करते हैं, ये आप कर लेना। मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग, की काउंसलिंग के बारे में क्या मिसकंसेप्शन होती है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगी, आप उसको नोट कर लेना। और एक काउंसलिंग सेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये भी नोट कर लेना। ये मिसकंसेप्शन अबाउट काउंसलिंग है, कि काउंसलिंग के बारे में क्या मिसकंसेप्शन है, काउंसलिंग के डू नॉट क्या है, यहाँ से तैयार कर लेना आप। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल केयर, इन्फॉर्मेशनल केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आधे सफ़े का भी नहीं है, और ये प्रॉफ में वाइवा के तौर पर या प्रैक्टिकल के तौर पर आ सकता है, ठीक है। आपने डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल क्या क्या करना है, तो वह डिफिकल्ट सिचुएशन लिखी हुई है, किस तरह से हैंडल करना है। इन्फॉर्मेशनल केयर तो पूरा का पूरा करना है आपने, ठीक है। आगे लिखा है मॉडल, जिसको बोलते हैं बायोसाइको सोशल मॉडल, तो पहले हो चुका है। इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आप चलोगे क्राइसिस इंटरवेंशन की तरफ, तो क्राइसिस इंटरवेंशन की तरफ तो रॉबर्टसन सेवन स्टेज मॉडल है। जब भी कोई पैरामिड बना हुआ हो, जिस तरह मैस्लो पैरामिड था हॉस्पिटल नीड्स का, रॉबर्टसन सेवन स्टेज मॉडल है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये वाला भी पढ़ना, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है। नेक्स्ट अगर आप टॉपिक में आओ तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, किस तरह से आपने झगड़े को सॉल्व करना है। एम्पैथी क्या होनी चाहिए, दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने जैसा समझना, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो बैड न्यूज़ की ब्रेकिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आ चुका है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल और डिफरेंट डिस्क्लोजर मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। और फिर आपने पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल्स को भी तैयार कर लेना है, ओके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यू क्यूज। अब कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज बता देता हूँ। सबसे पहला है कि बिहेवियर साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। बिहेवियर साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एन इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग, कल्चर की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। हेल्थ एक डायनेमिक फैक्टर होता है जो इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक हो गया, ओके। जो एक लिखा हुआ है कि डिस्ट्रेस, ये तो आप कर लोगे ना एमसीक्यूज में, तो डिस्ट्रेस की डेफिनेशन देखिए, जो होम्योस्टेसिस एलोस्टेसिस बता चुका हूं। डिस्ट्रेस होता है डेफिनेशन, ये स्टेट जब आती है जब होम्योस्टैटिक और एलोस्टेटिक मैकेनिज्म फेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। एलोस्टेसिस एक अडाप्टिव मैकेनिज्म है जिसमें आप पहले से ही क्या करना शुरू करते हो, चेंजेस ले आते हो इन एडवांस चेंजेस ले आते हो, ठीक हो गया, ओके। और होम्योस्टेसिस और एलोस्टेसिस की डेफिनेशन को तैयार कर लेना, ये एमसीक्यूज में आ सकती है, ओके। और फिर आप आओगे इस चैप्टर में, ये कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ठीक है। तो इसके अंदर आपने किन किन डेफिनेशन एमसीक्यूज को तैयार करना है। एक्टिव लिसनिंग किस तरह से होती है, ओपन एंड क्लोज क्वेश्चंस ये किस तरह से होते हैं, फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एम्पैथी बिल्डिंग, इसको किस तरह से आपने एक्सप्रेस करना है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एक काउंसलर के क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक हो गया। इन्फॉर्मेशनल केयर के अंदर 7 क्वेश्चंस, ऐसे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एक सिचुएशन को उठा के दे सकता है कि किस है, अगर आपने पेशेंट को डिफिकल्ट करना है, सॉरी डिफिकल्ट पेशेंट को हैंडल करना है, तो आपने किस तरह से हैंडल करना है, ओके। और इसका मिमोनिक है स्पाइक्स, सीटिंग एंड सेटिंग, पेशेंट परसेप्शन, ई से आई से इन्विटेशन है, सी से नॉलेज है, ठीक है, ओके। और इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन आ जाती है, एम्पैथी है, समराइज है, प्लान ऑफ एक्शन है, तो ये सारा निमोनिक है, इसको भी आप तैयार कर लेना। ये देख लेना कि पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल के क्या नुकसान होते हैं, नॉर्मली रेकमेंडेड नहीं होता। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल ये किन किन कंडीशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इससे इम्प्लीकेशन या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर आपने ये याद रखना है कि सबसे ऊपर क्या है, सबसे नीचे क्या है, और ये वाला टेबल के अंदर ये याद रखना है कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज आ सकती है जो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एग्जाम में कभी कभार ये वाली चीज़ आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई झगड़ा हो गया हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, तो कोई एमसीक्यू में कोई एक ऑप्शन दे देगा कि ये सिचुएशन है, इसके अंदर कोई झगड़ा हो गया,
डूज और डू नॉट में से एमसीक्यूज आ सकता है। एम्पैथी वाला टॉपिक ये पूरा प्रैक्टिकल भी है, इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन एक एमसीक्यूज को तैयार कर लेना, इसके एसीक्यू को भी तैयार कर लेना क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज और एसीक्यूज यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।